अम्बाला में आज अतिथि अध्यापकों ने अम्बाला मंडल की मीटिंग की, जिसमें अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व कैथल जिले से अतिथि अध्यापक पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह मीटिंग राज्य के प्रधान राजेंद्र शास्त्री की अध्यक्षता में की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक हरियाणा में अतिथि अध्यापकों को नियमित नहीं किया, जबकि सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार ने कहा था कि सत्ता में आते ही पहली कलम से उन्हें पक्का किया जाएगा। और हम यहाँ सब अपने अधिकार के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम सबकी बस एक ही मांग है कि हमें पक्का किया जाए। जब हम काम पूरा कर रहे हैं तो उसका हमें भुगतान भी पूरा किया जाए। आधी रोटी वाला और आधा काम वाला काम अब नहीं चलेगा। हम अब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर उतरने के लिए हमें सरकार ही मजबूर कर रही है। मैं राजेंद्र शर्मा शास्त्री, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ, आज PWD रेस्ट हाउस अम्बाला में हमारे जन जागरण अभियान के तहत हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले हमारे से लिखित में और घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम आपको पहली कलम से पक्का करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है 8.5 साल का अरसा बीत चुका है, वो कलम आज तक नहीं पाई है। और सरकार ने अब तक हरियाणा प्रदेश के तमाम गेस्ट टीचरों को रेगुलर करने का काम नहीं किया है। तो रोष स्वरूप आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक जन जागरण अभियान के तहत पूरे हरियाणा में ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और हम सरकार को वो वायदा याद दिलाना चाहते हैं, सरकार हल्के में ना ले गेस्ट टीचर्स की ताकत को। ये हरियाणा सरकार की सत्ता का कायापलट भी कर सकते हैं। यदि ये नेगेटिव सोचेंगे तो सरकार को बहुत बड़ा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए हम सरकार को कहते हैं कि भी आपको सद्बुद्धि दे परमात्मा और आप अपने कहे अनुसार, आपके घोषणा पत्र के अनुसार अपना वायदा पूरा करें। हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों को नियमित करने का काम करें। 2019 में हमारा सर्विस एक्ट बना था जो विधानसभा में पास किया गया था, लेकिन उसमें हमें कुछ भी सुविधा नहीं दी गई। सिर्फ हमें बंधुआ मजदूर 58 साल तक का बनाकर रख दिया गया है, लेकिन उसमें हमें ना तो ग्रेजुटी दी गई है। रिटायरमेंट के बाद हमारे साथी खाली हाथ रिटायर होकर घर जा रहे हैं, उनको एक भी पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। जो हमारे साथी गुजर रहे हैं उनको सिर्फ 3 लाख रुपए मिलते हैं। रोड एक्सीडेंट हो जाता, बीमार हो जाते हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा, बच्चों की पढ़ाई की कोई भी सुविधा हमारे लिए नहीं है। जबकि हम पूरा काम स्कूल में एक रेगुलर टीचर के अकॉर्डिंग जितना काम वो करता है उतना ही काम हम करते हैं, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम सरकार से ये पुरजोर मांग करते हैं कि आप हमें जो तमाम लाभ एक रेगुलर कर्मचारी को, रेगुलर टीचर्स को दिए जाते हैं, वो गेस्ट टीचर उनका हकदार है, वो दिए जाएं।